धमतरी जिले में विधानसभा चुनाव के लिए कुरुंद, सिहावा और धमतरी विधानसभा में 43 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन फॉर्म भरा गया। वहीं नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 38 निर्देशन पत्र मान्य पाए गए, जिसके तहत विधानसभा क्षेत्र सिहावा के 7, विधानसभा क्षेत्र कुरुंद के 16 और विधानसभा क्षेत्र धमतरी के 15 नाम निर्देशन पत्र शामिल है। आपको बता दें कि 2 नवम्बर तक नामांकन पत्र के वापसी का समय है, ऐसे में नामांकन की संख्या और कम हो सकती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी जोर शोरों से कर रही है। वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए हैं। हमारे जिला धमतरी में कुल 43 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन जमा किए गए थे, तो उनमें से सिहावा विधानसभा में 8 अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1 का नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुआ है और 7 अभ्यर्थी स्वीकार किए गए हैं। उसी प्रकार से जो कुरुंद विधानसभा है उसमें 17 अभ्यर्थियों समीक्षा उपरांत 1 अपात्र और 16 पात्र पाए गए हैं, और जिला जो धमतरी विधानसभा है उसमें 18 अभ्यर्थियों में 3 को अपात्र पत्र, 15 को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार कुल 38 अभ्यर्थी अभी पात्र बचे हुए हैं। 2 नवंबर को 3 बजे तक नाम वापसी का समय दिया गया है, उसके पश्चात अंतिम सूची जारी।